नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ऑनिका महेश्वरी। परफ्यूम डीलर पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज स्थित घरों व फैक्ट्री में इनकम टैक्स रेड के दौरान अब तक 185 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। 250 किलो चांदी के अलावा 25 किलो सोने की ज्वेलरी भी मिली है और अब तक रेड जारी है। पीयूष जैन के घर से शुक्रवार दोपहर उनके बेटों प्रत्युष और प्रियांश को लेकर जीएसटी इंटेलिजेंस अफसर कन्नौज गए थे। वहां उन्होंने बेटों से ही घर व फैक्ट्री कैंपस के ताले खुलवाए। इसके बाद से नोटों का मिलना शुरू हुआ, नोट और सोने चांदी का मिलना शुरू। कैंपस में बहुत सारे कमरे, लॉकर, अलमारियां होने की वजह से सभी को एक एक कर खोला जा रहा है। इनकम टैक्स ने ताले तोड़वाने वाले से 20 ताले तोड़वाए हैं। पीयूष जैन के घर में एक तय खाना भी मिला है। कुछ तिजोरी इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वो टूटी ही नहीं, गैस कटर से उसे काटा गया। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय और इनकम टैक्स विभाग की संयुक्त टीम द्वारा रेड में पीयूष जैन के घर से अकूट दौलत बरामद हुई है। अभी तक गिनी जा चुकी रकम को 42 बक्सों में भरकर स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में जमा कराया गया है। वहीं कानपुर में कैश बरामद होने के बाद डायरेक्टरेट जीएसटी इंटेलिजेंस के अफसर पीयूष जैन को घर से लेकर सर्वोदय नगर स्थित ऑफिस चले गए हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में और क्या क्या खुलासे सामने आते हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।